वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई से नाराज पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज निर्वाचन अधिकारियों से मिले। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी और मकानों से पोस्टर झंडे हटाए जाने पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, साथ ही कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत जो चुनाव प्रचार का विषय है उसको पार्टी पूरे प्रतिबद्धता के साथ पालन करती है। दिग्विजय सिंह जी अपने झगड़े का जो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, उनका जो झगड़ा चल रहा है ना कमलनाथ जी से, उसका प्रश्न उनसे जाके पूछो। ऐसा कुछ नहीं, चलिए। वहीं विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच नेताओं की नाराजगी और मान मनोबल का दौर भी जारी है। भिंड के मेहगांव से बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला और बीजेपी नेता केपी सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें केपी सिंह मंच से खड़े होकर बीजेपी उम्मीदवार को जमकर लताड़ रहे हैं, वहीं राकेश शुक्ला मंच पर ही माफी मांगते दिख रहे हैं। ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया। वो पाटन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनके सामने विजय बघेल को उतारा है। बघेल ने इस सीट से 5 बार जीत दर्ज की है। उनके साथ विधानसभा स्पीकर चरणदास महंत, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और कई कांग्रेस उम्मीदवार भी मौजूद थे। दुर्ग जिले की सभी 6 कांग्रेस उम्मीदवारों ने आज एक साथ नामांकन दाखिल किया। किला भेजना आसान नहीं, एकाध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय आ गए थे, लेकिन दुर्ग तो कांग्रेस और हमेशा यहाँ 77 में भी हम लोग अधिकांश सीट जीते थे, 80 में अधिकांश सीट जीते थे, तो ये कांग्रेस का हमेशा गढ़ रहा है। उनके पास और क्या है छत्तीसगढ़ को जनता देने के लिए, उनके पास कुछ नहीं। अभी तक लोग एक भी वादा छत्तीसगढ़ की जनता से नहीं किए हैं। मतलब उनको भी पता है कि हम लोग यदि कोई गारंटी देंगे, कोई घोषणा करेंगे, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता विश्वास करने वाले नहीं। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है।